टावर ते चढ़े एक व्यक्ति दे वल्लों बेहद ही हैरान कर देने वाली हरकत की गई है। जेड़ा कि बंदा उसनू रोटी देने दे लई टावर दे उत्ते चढ़िया तां उसदे कोलों पिस्टल दिखा के उसने फोन ही खोलिया। दरअसल तुहानू दस दईए कि 12 अक्तूबर तो दस्या जा रहा है कि एक व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बेअदबी हुई सी उसदे विच दोषियों नू सज़ा की मंग करन नू लैके टावर दे उत्ते चढ़िया सी। ते बीते दिन जो एक BSNL का मुलाजम दसिया जा रहा जो कि उसनू उपर रोटी अते पानी देने दे लई जदों गया तो जो टावर दे उत्ते धरना कर रहा सी बंदा जिस दे वलों प्रदर्शन किया जा रहा सी उसदे वलों पिस्तौल उसनू दिखाया जाता है तो उसका मोबाइल फोन उसदे कोलों खो लिया जाता है तो उसनू मंग रखी जाती है कि जदों तक उसनू पावर बैंक अते एक जूस की 2 लीटर वाली बोतल नहीं देके जाता उदों तक वो तुहाडा फोन नहीं देवेगा। जिस तो बाद हेठां उतरे उस BSNL दे मुलाजम दे वल्लों पुलिस नूं इस दी शिकायत दित्ती जांदी है। जिस तो बाद हुण पुलिस हरकत दे विच आई है ते लगातार मामले की जांच शुरू कर दित्ती गई है। तो दस दईए कि जो BSNL दा मुलाजम सी उसका कहना है कि वह हाले पहले ही दिन ड्यूटी दे उत्ते आया सी तां उसनूं किसी ने दस्या कि कोई सिंह उपर धरने दे उत्ते डटिया होया है जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बेअदबी हुई सी उस दे विच दोषियों खिलाफ़ कार्रवाई की मांग कर रहा है ते 5 तो 6 दिनों तो लगातार वह धरने पर बैठा है ते जिसनों कि एक खाना दे के आना जदों खाना देने दे लई उपर चढ़िया तो उसके कोलों पिस्तौल दिखा के कहा जा रहा है कि उसने उसका मोबाइल फोन खोलिया तो बदले दे विच मंग रखी कि जदों तक उसनू 2 लीटर की जूस की बोतल अते एक पावर बैंक नहीं देके जाता उदों तक वह उसका मोबाइल फोन वापस नहीं करेगा। तो खबर समाणा तो सामने आई है जिथे कि यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अज सर मैंने कहा गया है मेरी ड्यूटी के उपरंत जो मैं ड्यूटी करता है मैंने बुलाया गया कहने उत्थे पानी दी बोतल एक सिंह साहब चढ़े हुए उपर तो उसे पानी देके आना है तो अपना चाह की बोतल देके आनी है तो मैं 4 बोतल लै गया पानी दियाँ एक चाह की लै गया सर 4 पानी बोतल रख लिया तो एक जी चाह की उन्हें थले बगाती ठीक है जी तो फिर मेरा फोन खोलिया पिस्टल सीगा उन्होंने हाथ च पिस्टल कितने रखे तेरे पिस्टल रखे नहीं बैग में दिखा दा सी मैंने उन्होंने तैनू की कह रहा सी कह रहे थे कि भी अपना थले जाके कह दी मैं मेरा फोन रख लिया मैंने एक जूस की बोतल दे दो सील्ड हो पिस्टल दिखा के क्या होगा ना फोन रख दे इतने हाँ जी हाँ जी पिस्टल पासवर्ड की मंगया तेरे तो पासवर्ड लिया जी मेरे तो किसी के फोन का हाँ जी हाँ जी लोक लग गया थोड़े फोन का लोक लग गया सीगा फिर उसके बाद की होया उन्होंने पासवर्ड अपना पासवर्ड ले लिया फोन का ते फिर कहने अपना थले जाके कितनी देर पहले दी गल है ते 1:30 बजे दी गल है जी 1:30 बजे डेढ़ तो 2 दे कितने बजे सूचना दी पुलिस ने फिर पुलिस वाले उरे सीगे नाल दी दस्ता जी मैं थले जाके भी मेरे नाल करना जिन्ना ने तेनु ऊपर भेजिया सीगा टावर ते उन्होंने ते अंज लेंदा ता एही गल कि भी आ कुछ होया तेरे हां जी हां जी उन्होंने सारा दस्ता सीगा थले आके पुलिस मुला कौन से बंदे ते रोटी दे के देना है इत्थे की देना है सो कौन से बंदे इन्हां पुलिस मुलाजम इन्हां दे वल्लों सीगे जी टीम जो भी हैगी सीगी उन्होंने सहीगा कि इदा करके अपना फोन थले केड़ी कंपनी के फोन है Vivo दा सीगा हैं Vivo Y21 ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ 20-21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਂਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਤੇ ਜੂਸ ਦੀ ਸੀਲਡ ਹੋਈ ਬੋਤਲ 1 ਜਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ 9998557106611 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੰਡੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇਧਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੁਲਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੁਲਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟਾਵਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਟਾਵਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਪ ਠੇਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ BSNL ਦਾ ਟਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿੜੀ ਨਗਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ BSNL ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਹੋਏ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।